वेलकम टू माय क्लास चैनल। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व इक्वेशन एंड वेरीफाई सॉल्यूशन। हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है, वेरिएबल एक्स है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हमने चेक करना है कि वेरीफाई करना है कि वो आंसर या सॉल्यूशन जो है हमारे पास करेक्ट आया कि नहीं आया। वो कैसे करते हैं वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले हम जो है यहाँ पर वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 5x है, यहीं पर रहने देते हैं, ये वाला x भी यहाँ पर ले आते हैं। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर आके नेगेटिव हो जाएगा। 2 यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 5x में से x को माइनस कर देंगे तो 4x आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव 2 है, एक्स का एक्स है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव 2 यहीं पर रहेगा, 4 इधर एज ए प्रोडक्ट है, इधर आके क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा माइनस 2 के साथ आके। फिर हम कट कर देंगे माइनस 2 को और 4 को, 2 वन टाइम 2 आ जाएगा, 2 कितने टाइम, 4 होता है 2 टाइम, तो हमारे पास यहाँ पर हम हल्का हल्का सा कट कर भी देते हैं, 1/2 आ गया, माइनस का साइन माइनस आ गया और x की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव 1/2। तो x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव 1/2 आई है, ये हमने चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो हमने वेरिफिकेशन का काम करना है, वेरीफाई करना है ये करेक्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए हम ये करते हैं, जो आंसर है उसको इक्वेशन में, जो क्वेश्चन है उसमें पुट कर दो। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव 1/2 है तो इसमें हम पुट कर देंगे क्या आ जाएगा, जहाँ पर एक्स होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव 1/2 पुट कर दो, 2 का 2 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव 1/2 है तो हम यहाँ पर नेगेटिव 1/2 पुट कर देंगे और इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव 1/2। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 वन टाइम 5 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेगेटिव 1/2। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेने से हमारे पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 ही आ जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 कितने टाइम्स 2 होता है, 2 टाइम्स, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 2 कितने टाइम 2 होता है तो 2 वन टाइम 2 होता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 आ जाएगा। ये इस तरह से कर लें कि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सेम का सेम आ जाएगा। अगर तो आपको यहाँ पर ये बात समझ नहीं आई तो दोबारा से देख लें कि मैंने ये बताया है, यहाँ पर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, जहाँ पर होता है वहाँ पर आप क्या कंसीडर करते हो, 1 ही करते हो। तो 1 डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ देखना है, तो 1 कितने टाइम्स 2 होता है, 2 टाइम्स, अब जो आपके माइंड में है 2 उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना जो न्यूमरेटर में है, तो 2 को 2 से करवाया तो 4 आ गया, माइनस 2, अब फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ देखो, 2 कितने टाइम्स 2 होता है, 1 टाइम, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दो तो 1 5 टाइम्स 5 आ गया। या इस तरह याद रख लो कि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सेम आ जाता है। यहाँ पर नेगेटिव 1/2 है आपके पास, 4 में से हम 5 को, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और प्लस माइनस होगा, माइनस साइन कौन सा आएगा, जो बिगर टर्म के साथ है, बिगर टर्म 4 है कि 5 है, 5 है, उसका माइनस साइन है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव 1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, यस। तो हम क्या कहेंगे कि यस हमने वेरीफाई कर दिया, क्योंकि जो वैल्यू आई थी हमारे पास एक्स की उसको हमने पुट किया इक्वेशन में जो क्वेश्चन गिवन था, और हमारे पास उसको पुट करने से लेफ्ट और राइट हैंड साइड के आ गई इक्वल आ गई। इसका क्या मीन है कि हमने वेरीफाई कर दिया कि ये सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, पहले इसको कर लेंगे सॉल्यूशन है और फिर ये वेरीफिकेशन है। अच्छा, यहाँ पर तो हो गया नेगेटिव 1/2 और यहाँ पर भी आपके पास यही आया, हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी चेंज भी होता है कि यहाँ पर कोई भी आंसर आ रहा है, बस यहाँ पर इक्वल आने चाहिए लेफ्ट और राइट हैंड साइड, इक्वल अगर आ गए तो फिर इसका मतलब है ये सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर 1/2 था, 1.2 था सॉरी, और फिर हमने जब पुट किया तो हमारे पास 5.2 आ रहा है लेफ्ट और राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर तो बाई चांस ऐसा हो गया। एक और में भी था कि नेगेटिव 1/2 इधर है तो यहाँ पर भी, ऐसे ज़रूरी नहीं, आप इसी को चेक करते रहें कि यहाँ पर जो आ रहा है सेम वो ही यहाँ पर आए, ओके। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करने के लिए दिखाया भी है। तो होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।